एज अ मैन थिंकेथ, हिंदी, जैसे विचार वैसा जीवन, जेम्स एलन। अध्याय सूची। इस पुस्तक की प्रशंसा में प्रस्तावना, इस इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है। ती परिस्थितियां, जैसे विचार वैसा स्वास्थ्य, उद्देश्यपूर्ण विचार सफलता दिलाते हैं। विचार हर उपलब्धि की नींव है, हर सपना सुखद भविष्य का विचार है। जीवन, लेखक के बारे में। इस पुस्तक की प्रशंसा में एज अ मैन थिंकेथ जेम्स एलन की सबसे मशहूर पुस्तक है। 1902 में प्रकाशित इस छोटी सी पुस्तक को प्रेरक और सेल्फ हेल्प साहित्य की जननी माना जाता है। एज अ मैन थिंकेथ 25 से ज़्यादा बार पढ़ी है। इस पुस्तक ने मेरी आत्मा को ऊपर उठा दिया। अमर विचार, मार्क विक्टर हैंसन, सहलेखक चिकन सूप बुक्स। इस सारगर्भित पुस्तक में जेम्स एलन ने एक पुस्तकालय जितना व्यापक ज्ञान भर दिया है। मेरा विश्वास है कि अगर कोई इस पुस्तक को एक महीने तक हर दिन, प्रख्यात लेखक 20 साल की उम्र के बाद मैंने 15 से अधिक वर्षों तक एज अ मैन थिंकेथ हर साल एक बार पढ़ी थी। पॉल जे मेयर, प्रख्यात लेखक। कुछ पुस्तकें इतनी अच्छी और सार्थक होती हैं कि आप उन्हें बार बार पढ़ते हैं, खासतौर पर इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि उनकी विषय वस्तु और विचार इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपको उन्हें बार बार याद रखने की जरूरत है। जेम्स एलन की एज अ मैन थिंकेथ एक ऐसी ही पुस्तक है। बुक रिव्यू, मिशिगन क्रॉनिकल। न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट और संसार के धार्मिक ग्रंथों के परे एक छोटी सी पुस्तक ने किशोरावस्था में मेरे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला। यह पुस्तक है एज अ मैन थिंकेथ। इस बेहद लोकप्रिय पुस्तक को जेम्स एलन ने लिखा था, जिन्हें 19वीं सदी के उत्तरार्ध का नॉर्मन विंसेंट पील या अर्ल नाइटेंगल कहा जा सकता है। डेनिश वेटली, प्रख्यात लेखक। प्रस्तावना, इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है। यह छोटी सी पुस्तक बरसों के चिंतन मनन और अनुभव का परिणाम है। मैंने इसमें वही सिद्धांत बताए हैं जिन्हें मैंने अपने अनुभव से सच पाया है। इस पुस्तक का विषय सामान्य से हटकर है और इसके बारे में अब तक ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया है। इसका विषय है विचार की शक्ति। जी हाँ, इस पुस्तक में यह बताया गया है कि आपके विचारों में शक्ति होती है और आप जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा शक्ति होती है। मेरा आपसे एक आग्रह है कि इस पुस्तक को विस्तृत मार्गदर्शिका या संदर्भ ग्रंथ ना माने, इसके बजाय यह माने कि यह मेरे सुझाव हैं। ये फिर आप अपने जीवन के अनुभवों से इस पुस्तक में बताए गए विचारों की सच्चाई की पुष्टि करें। इस पूरी पुस्तक का मकसद सिर्फ इतना है कि लोग यह सच्चाई जान लें, इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है। देखिए, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, हमारे विचारों में बहुत शक्ति होती है। इसमें इतनी शक्ति होती है कि हम जिन प्रबल विचारों को लंबे समय तक अपने दिमाग में रखते हैं, वे अंततः साकार हो जाते हैं और उन्हीं से हमारी तकदीर बनती है। अगर विचार अच्छे हैं तो तकदीर भी अच्छी होगी, और अगर विचार बुरे हैं तो तकदीर भी बुरी होगी। इस अटल सत्य को हमेशा हमेशा के लिए पहचान लें कि जैसे आपके विचार होंगे वैसी ही आपकी तकदीर होगी, वैसा ही आपका जीवन होगा। माना जाता है कि इंसान के दिमाग में हर दिन लगभग 60,000 विचार आते हैं और यही विचार मिलकर हमारी तकदीर बनाते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, हमारी तकदीर में सबसे ज़्यादा योगदान उस विचार का होता है जो हमारे दिमाग में मौजूद सबसे प्रबल और स्थायी विचार होता है। अपने दिमाग की शक्ति को कम ना आंकें, यह इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि इसकी बदौलत मनुष्य ने इतने सारे वैज्ञानिक आविष्कार कर लिए हैं जो कल्पनातीत है लगते हैं। इंसान का दिमाग बहुत चतुर बुनकर होता है। यह चरित्र की भीतरी पोशाक भी बुनता है और परिस्थिति की बाहरी पोशाक भी। अब तक यह अज्ञान के धागे से कष्ट की पोशाक बुन रहा था, आइए अब हम ज्ञान के धागे से इससे खुशी की पोशाक बुनवाते हैं।
विचारों में शक्ति होती है और इस शक्ति का इस्तेमाल अब आप अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। इस पुस्तक में बताया गया है कि आप यह काम कैसे कर सकते हैं। जैसे विचार वैसा चरित्र, चैप्टर 2। जैसा इंसान अपने दिमाग में सोचता है वैसा ही वह होता है। यह बात मनुष्य के समूचे अस्तित्व पर लागू होती है। यह उसकी जिंदगी की हर स्थिति और हर परिस्थिति पर लागू होती है। इंसान वाकई वैसे ही होता है जैसा वह सोचता है। उसका चरित्र उसके सभी विचारों का महायोग होता है। उसका जीवन उसके सभी विचारों का महायोग होता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने विचारों को बदलना होगा। जब तक आप अपने विचारों को नहीं बदलेंगे तब तक आप आपका जीवन नहीं बदल सकता। इसे ज़्यादा अच्छी तरह समझने के लिए हम खेती की उपमा लेते हैं। हम जानते हैं कि बीज से पौधा उगता है और बिना बीज के कोई पौधा पैदा नहीं हो सकता। इसी तरह विचार वह मानसिक बीज है जिसके बिना सक्रियता का पौधा नहीं उग सकता और कर्म का फूल नहीं लग सकता है और सुख या दुख का फल नहीं मिल सकता। यह हमेशा सच होता है। चाहे हम सोच समझ कर काम करें या बगैर सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया करें। कर्म विचार का फूल है। देखिए, जब तक बीज नहीं होगा तब तक फूल नहीं उग सकता। इसलिए विचार पहले आता है, काम उसके बाद होता है। सरल भाषा में समझें तो आपके मन में कोई विचार आता है और फिर आप उस विचार के अनुरूप काम करते हैं। यानी विचार बीज है और काम उस बीज से उत्पन्न हुआ फूल है और कर्म के इस फूल से जो फल उत्पन्न होता है वे हैं सुख और दुख। इस तरह हम देख सकते हैं कि मनुष्य अपने दिमाग में जिन विचारों के बीज बोता है वह उन्हीं के अनुरूप मीठी या कड़वी फसल काटता है। फसल कैसी होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कैसे बीज बोए थे। अगर आपने करेले के बीज बोए थे तो आप आम के फलों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करके देखें। और अगर आप आम के फल खाना चाहते हैं तो आम के बीज भी बोइए। हमारे मन के विचार ने हमें बताया है, हम जो हैं उसे विचार ने बनाया और ढाला है। यदि किसी इंसान के मन में बुरे विचार होते हैं तो कष्ट उसके जीवन में उसी तरह खिंचा चला आता है जिस तरह बैल के पीछे गाड़ी खींची चली आती है। यदि किसी इंसान के विचार पवित्र और निर्मल होते हैं तो खुशी उसके पास उसी तरह रहती है जिस तरह उसकी छाया रहती है हमेशा। विकास मनुष्य का स्वभाव है, वह कोई स्थिर जीव नहीं है। और मनुष्य का विकास नैसर्गिक नियम के अनुरूप होता है। कारण और परिणाम का नियम इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। यह अटल और अटूट नियम है। कारण और परिणाम का नियम कहता है कि अगर आप किसी बहुमंजिली इमारत से छलांग लगाते हैं तो आप जमीन पर गिर जाएंगे। छलांग लगाना कारण था, गिरना परिणाम। कारण और परिणाम का नियम केवल भौतिकी या भौतिक वस्तुओं के संसार में ही लागू नहीं होता, यह विचारों के संसार में भी लागू होता है। जिन लोगों का चरित्र उत्तम और महान रहा है वह संयोग या किस्मत से नहीं रहा है। यह तो इसलिए महान रहा है क्योंकि उन्होंने सही विचार सोचने की लगातार कोशिश की और नेक विचारों को लंबे समय तक अपने मस्तिष्क में रखा। इसी तरह जिन लोगों का चरित्र घटिया या पाशविक होता है वह भी संयोग या किस्मत से नहीं होता है। यह तो घटिया और पाशविक विचार लंबे समय तक लगातार सोचने का परिणाम होता है। इंसान ही खुद को बनाता है, इंसान ही खुद को मिटाता है। विचारों के कारखाने में वह ऐसे हथियार बनाता है जो उसे नष्ट कर देते हैं। दूसरी ओर वह ऐसे औजार भी बनाता है जो उसके लिए खुशी, शक्ति और शांति की दैवी महल बना सकते हैं। सही विचार चुनने और उन पर सही तरीके से काम करने पर मनुष्य उसी दैवी पूर्णता की ओर बढ़ता है जिस तक पहुँचने के लिए उसे इस संसार में भेजा गया था। गलत विचार चुनने और उन पर गलत अमल करने से मनुष्य पश के स्तर तक गिर जाता है। इन दोनों अतियों के बीच चरित्र के कई भेद भी होते हैं।
लेकिन एक बात पूरी तरह स्पष्ट है, हर स्थिति और परिस्थिति में इंसान ही अपनी तकदीर बनाता है और अपने जीवन को अपने विचारों के सांचे में ढालता है। आधुनिक युग में बहुत सी मनोवैज्ञानिक सच्चाइयां सामने आई हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इतनी ज़्यादा प्रभावी और लाभकारी नहीं है या इतना ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ाने वाली नहीं है जितनी यह सच्चाई है कि इंसान अपने विचारों का स्वामी होता है। वह अपने चरित्र का साचा खुद गढ़ता है और इस तरह वह अपनी परिस्थितियों, परिवेश तथा तकदीर का निर्माता होता है। आपके जैसे विचार होंगे वैसा ही आपका चरित्र होगा और जैसा आपका चरित्र होगा वैसी ही आपकी परिस्थितियाँ होंगी। यानी अगर आप अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट हैं तो आपको अपने विचारों को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें बदलने के बाद ही आपको अपनी मनचाही परिस्थितियाँ मिल सकती हैं। इंसान में शक्ति, बुद्धि और प्रेम का वास है। वह अपने विचारों का स्वामी है, इसलिए हर स्थिति की कुंजी उसी के हाथ में है। उसके भीतर वह कायाकल्प करने वाली शक्ति है जिसके जरिए वह जैसा चाहे वैसा बन सकता है। इंसान खुद को अपने मनचाहे ढांचे में ढाल सकता है और यह काम वह एक पल में कर सकता है जब वह अपने विचारों या मानसिकता को बदलने का निर्णय ले। इंसान हमेशा स्वामी होता है, सबसे कमजोर और हीन अवस्था में भी, लेकिन कमजोर और हीन अवस्था में वह मूर्ख स्वामी होता है जो अपने घर का खराब संचालन करता है और अपने ही हाथों घर में आग लगा लेता है। दूसरी तरफ जब इंसान अपनी स्थिति के बारे में सोच विचार करता है और अस्तित्व के नियम यानी विचार के नियम पर मेहनत से चलता है तो वह समझदार स्वामी होता है। यह समझदार स्वामी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी ऊर्जा को दिशा देता है और अपने विचारों को लाभकारी क्षेत्रों में लगाता है जिससे उसे सुखद परिणाम मिलते हैं। इस स्थिति में मनुष्य चेतन स्वामी बन जाता है, लेकिन मनुष्य ऐसा तभी बन सकता है जब वह अपने भीतर विचार के नियम खोज ले। यह खोज पूरी तरह से अमल, आत्मविश्लेषण और अनुभव पर निर्भर करती है। सिर्फ खोजने और खुदाई करने से ही सोना और हीरे मिलते हैं। इंसान भी अपने अस्तित्व से जुड़ी हर सच्चाई खोज सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि उसे अपनी आत्मा की खान में गहराई तक खुदाई करनी होगी और इस काम में लगन से जुटे रहना होगा। इस तरह खुदाई करने के बाद उसे उस सच्चाई का पता चलेगा। वह अपने चरित्र का निर्माता है, अपने जीवन का सांचा उसी ने बनाया है और वही अपनी तकदीर लिख रहा है। इस तरह देखने पर उसके सामने बिना किसी शक के यह साबित हो जाएगा कि उसे अपने विचारों पर नज़र रखनी चाहिए, उन्हें नियंत्रित करना चाहिए और बदलना चाहिए, क्योंकि उसके विचारों का उस पर, दूसरों पर और उसकी ज़िंदगी तथा परिस्थितियों पर कितना गहरा असर हो रहा है। इंसान को यह जांच पड़ताल धैर्य करनी चाहिए। उसे कारण और परिणाम के नियम के दृष्टिकोण से इस पर विचार करना होगा। अगर वह अपने विचारों को पहचान लेगा, नियंत्रित कर लेगा और बदल लेगा तो उसके सामने यह साबित हो जाएगा कि वह सचमुच अपने चरित्र का निर्माता है, अपने जीवन का शिल्पी है और अपनी तकदीर का स्वामी है। तब उसे पता चल जाएगा कि उसके जीवन की हर घटना, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो, आत्मज्ञान हासिल करने की साधन है। इसी से समझ, बुद्धि और शक्ति मिलती है। दैवी नियम भी इसी दिशा में संकेत करता है। जो खोजता है वह पाता है, जो द्वार खटखटाता है उसके लिए द्वार खुल जाता है। धैर्य, अभ्यास और सतत संकल्प से ही मनुष्य ज्ञान के मंदिर में दाखिल हो सकता है। एज मैन थिंकेथ, जैसा विचार वैसा जीवन। चैप्टर 3, जैसे विचार वैसी परिस्थितियाँ। हम इंसान के दिमाग को बगीचे जैसा मान सकते हैं। इसे या तो समझदारी से तैयार किया जा सकता है या अनियंत्रित तरीके से इसके हाल पर छोड़ा जा सकता है। बहरहाल, चाहे हम इसे तैयार करें या इसके हाल पर छोड़ें, हमें परिणाम जरूर मिलेंगे। अगर हम कोई उपयोगी बीज नहीं डालते हैं तो उस बगीचे में खरपतवार के
बेकार बीज आकर उगने लगेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा जब यह खरपतवार पूरे बगीचे पर कब्जा जमा लेगी। इस संसार का एक विचित्र सत्य यह है कि बुरी चीज़ें बड़ी आसानी से हमारे पास आ जाती हैं, जबकि अच्छी चीज़ों को अपने पास लाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह बुरी आदतें डालने में ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन अच्छी आदतें डालने में समय लगता है। बुरी परिस्थितियों अपने आप आ जाती हैं, लेकिन परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए हमें मेहनत करनी होती है। अगर आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह बात गांठ बांध लें, आप अपने विचारों को बेहतर बनाए बिना अपने जीवन की परिस्थितियों को बेहतर नहीं बना सकते। जिस तरह माली बगीचे की योजना बनाता है, उसे खरपतवार से मुक्त रखता है और अपनी इच्छा के अनुसार फल फूल उगाता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने दिमाग के बगीचे की निरंतर देखभाल करनी चाहिए। उसे सभी गलत बेकार और अशुद्ध विचारों को खरपतवार की तरह उखाड़ फेंकना चाहिए। उसे सही उपयोगी और पवित्र विचारों के फल फूलों का अंत तक ध्यान रखना चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान इंसान को देर सवेर यह पता चल जाता है कि वह अपनी आत्मा का माली है और अपने जीवन का निर्माता निर्देशक है। उसके सामने विचार का नियम प्रकट होता है और वह ज़्यादा सटीकता से यह समझने लगता है कि प्रबल विचार और प्रबल मस्तिष्क के शक्तिशाली तत्व चरित्र परिस्थितियों और तकदीर को किस तरह आकार देते हैं। विचार और चरित्र एक ही हैं। जैसा हम देख चुके हैं, विचारों से चरित्र बनता है और चरित्र परिवेश व परिस्थिति के रूप में प्रकट होता है। इसका अर्थ यह है कि इंसान के जीवन की बाहरी परिस्थितियाँ हमेशा उसकी आंतरिक अवस्था के पूरे तालमेल में होती हैं। जैसा अंदर वैसा बाहर, बाहरी परिस्थितियाँ आंतरिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब होती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मनुष्य की परिस्थितियाँ हमेशा उसके पूरे चरित्र का सूचक होती हैं। इसका मतलब तो यह है कि वे परिस्थितियों गहराई में उसके भीतर मौजूद किसी प्रबल विचार से जुड़ी होती हैं, जो हाल फिलहाल उसके विकास के लिए अनिवार्य है। हर इंसान जहाँ भी है, अपने विचारों की बदौलत ही है। उसने अपने चरित्र में जो विचार बनाए हैं, वे ही उसे वहाँ लाए हैं। जिंदगी में संयोग जैसा कोई चीज़ नहीं होती। हर चीज़ एक ऐसे नियम का परिणाम है जिससे कभी गलती नहीं हो सकती। यह उन लोगों के बारे में भी सच है जो अपने माहौल से अलग थलग महसूस करते हैं और उनके बारे में भी जो अपने माहौल से संतुष्ट हैं। विकासशील प्राणी होने के नाते हर इंसान अपनी वर्तमान जगह पर इसलिए है ताकि वह विकास कर सके। जब वह किसी परिस्थिति के भीतर मौजूद सबक सीख लेता है तो परिस्थिति चली जाती है और उसकी जगह पर दूसरी परिस्थितियाँ आ जाती हैं। इसलिए अगर आप नकारात्मक परिस्थितियों को जल्दी दूर करना चाहते हो तो सबक सीखते रहें। जब तक इंसान खुद को बाहरी स्थितियों के अधीन मानता रहता है, तब तक वह परिस्थितियों के थपेड़े खाता रहता है। लेकिन जब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि अपने जीवन का सृजन करने की शक्ति उसी के पास है, तो वह अपने विचारों के जरिए अपने मन चाहे जीवन का सृजन कर लेता है। जब इंसान को ये पता चल जाता है कि वह मन चाहे बीज बोकर परिस्थितियों के मनचाही फसल पैदा कर सकता है, तो वह सच्चे अर्थों में अपना स्वामी बन जाता है। परिस्थितियाँ विचार से पैदा होती हैं। जिस भी इंसान ने आत्मनियंत्रण और आत्मविशुद्धिकरण का अभ्यास किया है, उसे यह बात देर सवेर पता चल जाती है, क्योंकि इस दौरान वह गौर करता है कि उसकी बाहरी परिस्थितियों में केवल उतना ही परिवर्तन हुआ जितना उसकी मानसिक स्थिति में हुआ था, न उससे कम न उससे ज़्यादा। यह बात 16 आने सच है कि जब मनुष्य गंभीरता से अपने चरित्र के दोष दूर करने में जुट जाता है और इस दशा में तेजी से तरक्की करता है, तो बाहरी दुनिया में भी उसकी तरक्की की रफ्तार तेज हो जाती है। आत्मा अपने भीतर छिपे सबसे गोपनीय तत्व के अनुरूप सक्रिय होती है और बाहरी संसार में इसी को आकर्षित करती है। उसे भी जिससे यह प्रेम करती है और उसे भी जिससे यह डरती है। यह अपनी पवित्र आकांक्षाओं की ऊंचाई तक पहुंचती है या फिर
अपनी पतित इच्छाओं के स्तर तक गिर जाती है और परिस्थितियों के जरिए ही आत्मा के भीतर छिपा गोपनीय तत्व बाहरी दुनिया में साकार होता है। विचार का हर बीज, चाहे उसे बोया गया हो या दिमाग में पड़े रहने की अनुमति दी गई हो, वहाँ पर जड़ें जमा लेता है और अपने जैसे फल फूल उत्पन्न करता है। यह बीज देर सवेर कर्म का फूल उगा देता है, जिससे सुखद अवसर या सुखद परिस्थिति के फल पैदा होते हैं। यह कहने की जरूरत नहीं है कि अच्छे विचार से अच्छे फल मिलते हैं और बुरे विचार से बुरे, और अगर आपके विचार मिश्रित हैं तो आपको मिश्रित फल मिलेंगे। परिस्थितियाँ का बाहरी संसार विचारों के आंतरिक संसार के अनुरूप ढल जाता है। एक बात याद रखें, इंसान के जीवन में सुखद और दुखद दोनों किस्म की बाहरी परिस्थितियाँ होती हैं, और इन दोनों तरह की परिस्थितियों से अंततः इंसान का भला हो सकता है, क्योंकि फसल काटने वाला माली सुखद और दुखद दोनों तरह की परिस्थितियों से कुछ ना कुछ सीख सकता है। और जैसा हम पहले ही बता चुके हैं, परिस्थितियां हमारे जीवन में इसलिए आती हैं ताकि विकास की प्रक्रिया में हम उनसे सबक सीख लें। जब हम सबक सीख लेते हैं तो वे फिर चली जाती हैं और लौट कर नहीं आती हैं। इसलिए अगर आप नकारात्मक परिस्थितियों से परेशान हैं और उन्हें अलविदा कहना चाहते हैं तो उनसे सबक सीख लें, वे खुद ब खुद आपके जीवन से दूर चली जाएंगी। इंसान के दिमाग पर जो गहरी इच्छाएं, आकांक्षाएं और विचार हावी होते हैं, अगर वे पवित्र या नेक नहीं है तो इंसान अशुद्ध कल्पनाओं की मरीचिका का पीछा करता रहेगा। अगर वे पवित्र हैं तो वह ऊपर उठाने वाले प्रबल प्रयासों के राजमार्ग पर निरंतर चलेगा। दोनों ही मामलों में हमें परिस्थितियों के रूप में बाहर वैसे ही फल मिलते हैं जैसे विचार हमारे अंदर होते हैं। विकास और अनुरूपता के नियम हर जगह हर समय काम करते हैं। इंसान किस्मत या हालत की वजह से जेल खाने या गरीब खाने में नहीं पहुंचता है, बल्कि अपने घटिया विचारों और बुरी इच्छाओं की वजह से पहुंचता है। भली मानसिकता वाला कोई भी व्यक्ति कभी किसी बाहरी शक्ति के तनाव के वशीभूत होकर अचानक अपराध में लिप्त नहीं होता। दरअसल वह आपराधिक विचार उसके मन में काफ़ी समय से गोपनीय रूप से दबा हुआ था और सही अवसर आने पर यह पूरी संग्रहित शक्ति के साथ सामने आ गया। परिस्थितियां इंसान को नहीं बनाती हैं, वे तो सिर्फ उसके असल स्वरूप को सामने लाती हैं। पाप के दलदल में उतरने और इससे जुड़े कष्ट भोगने के लिए बाहरी परिस्थितियां जिम्मेदार नहीं होती हैं। बुनियादी वजह तो पापी इच्छाएँ हैं। इसी तरह पुण्य के आसमान तक पहुंचने और इससे जुड़ा सुख भी पुण्य की इच्छाओं को मजबूत बनाए बिना संभव नहीं है। विचार का स्वामी होने की बदौलत मनुष्य खुद का निर्माता है, अपने परिवेश का रचयिता है और अपनी तकदीर की इबारत वह खुद लिखता है। पृथ्वी पर अपनी यात्रा के हर कदम में मनुष्य अपने विचारों से मेल खाने वाली परिस्थितियों से को आकर्षित करता है। वे परिस्थितियाँ उसके विचारों को शुद्धता या शुद्धता, शक्ति और कमजोरी का प्रतिबिंब होती हैं। इंसान उस चीज़ को आकर्षित नहीं करता जिसे वह चाहता है, वह तो उस चीज़ को आकर्षित करता है जैसा वह अंदर से सचमुच होता है। हो सकता है कि हमें यह लगे कि उसकी मनोकामना, आवेग और महत्वाकांक्षा हर कदम पर परास्त हो रही है, लेकिन सच तो यह है कि उसे अपने सबसे गहरे विचारों और इच्छाओं का परिणाम मिलता है, चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों। हमारी किस्मत या बदकिस्मती की बागडोर हमारे ही हाथ में होती है, यह हमारे विचारों से तय होती है। इंसान अपने पैरों में भेड़िया खुद डालता है। विचार और कर्म तकदीर के जेलर हैं। यदि विचार और कर्म हीन हों तो वे इंसान को कैद कर देते हैं, अगर वे उदात्त हों तो वे इंसान को मुक्त कर देते हैं। इस तरह वे स्वतंत्रता के देवदूत भी बन जा सकते हैं। इंसान जिस चीज़ की इच्छा और प्रार्थना करता है वह उसे नहीं मिलती, उसे तो वही मिलता है जिसका वह वाकई हकदार होता है। उसकी इच्छाओं और प्रार्थनाओं का जवाब तभी मिलता है और वे तभी पूरी होती हैं जब वे
उसके विचारों और कामों के तालमेल में होती हैं। अगर यह सच है तो फिर हम परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष क्यों करते हैं? देखिए, इंसान लगातार दिल में गोपनीय कारण पालता रहता है, लेकिन उनकी वजह से बाहर उत्पन्न परिणामों के खिलाफ लड़ता रहता है। यह अंदरूनी गोपनीय कारण कोई दुर्गुण या अचेतन कमजोरी हो सकती है। बहरहाल कारण चाहे जो हो, यह इंसान की कोशिशों को सफल नहीं होने देता जब तक कि उसे सुधार न लिया जाए। लोग अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाने के बारे में चिंतित रहते हैं, लेकिन वे खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसीलिए वे हमेशा हर जगह बंधन में रहते हैं। जो व्यक्ति खुद को बेहतर बनाने के कष्ट से नहीं घबराता है, वे कभी अपनी मनचाही चीज पाने में असफल नहीं हो सकता। यह सभी तरह की चीज़ों के बारे में सच है, चाहे वे इस लोक की हों या परलोक की। जिस व्यक्ति का इकलौता मकसद दौलत हासिल करना है, उसे भी मनचाही मंजिल तक पहुंचने से पहले बहुत से त्याग करने होते हैं। जरा सोचें उस व्यक्ति को कितने ज़्यादा त्याग करने होंगे जो सशक्त और संतुलित जीवन पाना चाहता है। यहाँ एक आदमी को देखें जो बहुत ही गरीब है। वह अपने परिवेश और घरेलू सुख सुविधाओं को बेहतर बनाने की बहुत चिंता करता है, लेकिन इस दौरान वह अपनी नौकरी में काम चोरी करता है, मक्कारी करता है और अपने मालिक को धोखा देता है। वह यह मानकर चलता है कि अगर उसका मालिक उसे कम वेतन दे रहा है तो काम चोरी करना और मालिक को धोखा देना पूरी तरह से जायज और तर्कसंगत है। ऐसा आदमी सच्ची दौलत के सिद्धांत की बुनियादी बातें ही नहीं समझता है। वह आलसी, धोखेबाज और घटिया विचारों को लगातार सोचकर और उनके अनुरूप निरंतर काम करके और भी ज़्यादा गरीबी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वह इस बात को नहीं समझता है कि अगर वह अपने जीवन में सकारात्मक चीज़ें चाहता है तो यह काम कभी नकारात्मक विचार रख कर नहीं किया जा सकता है। इसलिए आपको यह सूत्र हमेशा याद रखना चाहिए, अगर आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ें चाहते हैं तो बुरे विचार न सोचें, और अगर भूल से कोई बुरा विचार दिमाग में भटकता हुआ आ जाए तो उसे वहाँ जड़े जमाने और लंबे समय तक रहने की अनुमति न दें। अब एक अमीर आदमी को देखें जो लोभ के फलस्वरूप एक कष्टकारी और लंबी बीमारी का शिकार है। वह इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए मुँह मांगी कीमत देने को तैयार है, लेकिन वह अपनी लोभी इच्छाओं का त्याग करने को तैयार नहीं है। उसकी जीभ मीठे, चटपटे और तेल चिकनाई वाले हानिकारक व्यंजन खाने के लिए लपलपाती रहती है, लेकिन साथ ही वह स्वस्थ भी रहना चाहता है। ऐसा इंसान स्वस्थ रहने के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त है, क्योंकि वह अब तक स्वस्थ जीवन के शुरुआती सिद्धांत को भी नहीं सीख पाया है। यहाँ मजदूरों का एक मालिक है जो चालबाजी करके और छल कपट से अपने मजदूरों को सरकारी न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन देता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस तरह उसे ज़्यादा लाभ होगा। ऐसा इंसान दौलत के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त है, और जब वह दिवालिया होता है प्रतिष्ठा में भी और दौलत में भी तो वह परिस्थितियों को दोष देता है। वह इस बात को नहीं जानता कि वह खुद ही अपनी परिस्थितियों का एकमात्र लेखक है, और अगर उसके जीवन की कहानी दुखांत है तो इसे दुखांत उसी ने बनाया है। मैंने यहाँ जो तीन प्रकरण बताए हैं वे इस सत्य के उदाहरण हैं कि मनुष्य ही अपनी परिस्थितियों का निर्माता है ब्रैकेट के अंदर, हालांकि लगभग हमेशा वह इस काम को अचेतन रूप में करता है ब्रैकेट बंद, और हालांकि उसका उद्देश्य अच्छा होता है, लेकिन इस उद्देश्य को पाने की राह में बाधाएं वह खुद ही खड़ी करता है। वह ऐसे विचारों और इच्छाओं को प्रोत्साहित करता है जो उसके लक्ष्य या उद्देश्य के तालमेल में नहीं होती हैं, इसलिए वह उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता। इसी तरह के ढेर सारे प्रकरण बताए जा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पाठक चाहें तो विचार के नियम के परिणाम अपने खुद के मस्तिष्क और जीवन में देख सकता है।
बहरहाल परिस्थितियाँ इतनी जटिल होती हैं, विचार की जड़ें इतनी गहरी होती हैं और लोगों की खुशी की परिभाषा इतनी अलग अलग होती हैं कि किसी मनुष्य की समूची आत्मिक मानसिक व शारीरिक परिस्थितियों ब्रैकेट के अंदर है। हालांकि हो सकता है कि यह बात उसे खुद को पता हो। ब्रैकेट बंद का मूल्यांकन कोई दूसरा केवल उसके जीवन की बाहरी पहलू को देखकर नहीं कर सकता। कोई मनुष्य कुछ क्षेत्रों में ईमानदार हो सकता है लेकिन इसके बावजूद उसका जीवन कष्टकारी हो सकता है। कोई मनुष्य कुछ क्षेत्रों में बेईमान हो सकता है लेकिन इसके बावजूद वह दौलतमंद हो सकता है। लेकिन यह मूल्यांकन पूरी तरह से सतही है कि एक मनुष्य अपनी ईमानदारी के कारण असफल हुआ और दूसरा व्यक्ति अपनी बेईमानी के कारण अमीर बना। यह मूल्यांकन इसलिए सतही है क्योंकि इसमें यह मान लिया जाता है कि बेईमान आदमी पूरी तरह से भ्रष्ट है और ईमानदार आदमी पूरी तरह से सद्गुणी है। ज़्यादा गहरे ज्ञान और ज़्यादा व्यापक अनुभव की रोशनी में ऐसा मूल्यांकन करना ही गलत है। हो सकता है कि बेईमान व्यक्ति में कुछ प्रशंसनीय गुण हों जो ईमानदार व्यक्ति में न हो और ईमानदार व्यक्ति में कुछ दुर्गुण हों जो बेईमान व्यक्ति में न हो। ईमानदार व्यक्ति अपने ईमानदारी भरे विचारों और कामों के अच्छे परिणामों की फसल काटता है, साथ ही वह अपने दुर्गुणों की वजह से उत्पन्न हुए कष्ट भी भोगता है। इसी तरह बेईमान व्यक्ति भी अपनी खुद की खुशी और कष्ट उत्पन्न करता है। इंसान का अहम यह विश्वास करने से खुश होता है कि वह अपने सद्गुण की वजह से कष्ट उठा रहा है। बहरहाल जब तक मनुष्य हर बीमार कटु और अशुद्ध विचार को अपनी आत्मा से बाहर न निकाल दे तब तक वह यह जानने या कहने की स्थिति में नहीं आ सकता कि उसके कष्ट उसके दुर्गुणों के नहीं सद्गुणों के परिणाम हैं। कुछ समय बाद ही उसे यह पता चल जाएगा कि उसके मस्तिष्क और जीवन में एक महान नियम काम कर रहा है जो पूरी तरह न्यायपूर्ण है। यह नियम कभी बुराई के बदले भलाई नहीं दे सकता और यह नियम कभी भलाई के बदले बुराई नहीं दे सकता। इस ज्ञान के सहारे जब वह पलट कर अपने अतीत को देखेगा तो समझ आएगा कि पहले वह अज्ञानी था, इसलिए यह नहीं देख पाया था कि उसकी जिंदगी हमेशा न्यायपूर्ण नियम पर चली है। उसे पता चल जाएगा कि उसके अतीत के सभी अच्छे बुरे अनुभव उसी के विकासशील या अविकसित स्वरूप के सिर्फ बाहरी परिणाम थे। अच्छे विचारों और कामों से कभी बुरे परिणाम उत्पन्न नहीं हो सकते, बुरे विचारों और कामों से कभी अच्छे परिणाम उत्पन्न नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि मक्का से सिर्फ मक्का उग सकती है, गाजर घास से सिर्फ गाजर घास। नैसर्गिक नियम या कृषि के क्षेत्र में तो इंसान इस नियम को समझता है और इसके अनुरूप काम करता है, लेकिन मानसिक और नैतिक जगत में बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। हालांकि वहां भी यह उतने ही सीधे और अचूक तरीके से काम करता है, इसलिए वे इसके अनुरूप काम नहीं करते हैं। कष्ट हमेशा किसी क्षेत्र में गलत विचार का परिणाम होता है। यह उस बात का संकेत है कि इंसान अपने अस्तित्व के नियम के तालमेल में नहीं है। कष्ट का एकमात्र और सर्वोच्च उपयोग है इंसान को शुद्ध करना, यानी उसके भीतर ही हर बेकार और अशुद्ध चीज को जलाना। पूरी तरह शुद्ध होने के बाद पवित्र और शुद्ध व्यक्ति के कष्ट खत्म हो जाते हैं और यह पूरी तरह से तार्किक है। मलिन पदार्थ के हटने के बाद सोने को आग में तपाने में क्या दुख है। इसी कारण पूरी तरह शुद्ध और प्रबुद्ध व्यक्ति को कष्ट नहीं हो सकता। व्यक्ति के जीवन में आने वाली कष्टकारी परिस्थितियां उसके मानसिक असामंजस्य का परिणाम होती हैं। व्यक्ति की सुखद परिस्थितियां उसके मानसिक सामंजस्य का परिणाम होती हैं। सही विचार का पैमाना भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि सुख है। गलत विचार का पैमाना भौतिक संपत्ति की कमी नहीं बल्कि दुख है। कोई व्यक्ति दुखी लेकिन अमीर हो सकता है, इसी तरह वह सुखी और गरीब हो सकता है। सुख और संपन्नता का एक साथ सिर्फ तभी आती है जब संपत्ति का सही और बुद्धिमत्तापूर्वक इस्तेमाल किया जाए। गरीब आदमी दुख के दलदल में धंसता जाता है जब वह बदकिस्मती को अपनी परिस्थितियों का कारण मान लेता है। देखिए, अगर आपकी परिस्थितियाँ सही नहीं हैं
तो किस्मत को दोष ना दें बल्कि खुद को दोष दें। आप ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर कभी नहीं चाहेगा कि आप दुख भरा जीवन जिएं। ईश्वर ने आपके जीवन में ढेर सारे कष्ट नहीं लिखे हैं जिन्हें आप उठा रहे हैं। ये सारे कष्ट तो आप अपने विचारों के कारण उठा रहे हैं, इसलिए बेहतर यही है होगा कि आप किस्मत को दोष देना छोड़ दें और अपने विचारों को बदलने पर ध्यान केंद्रित करें। नकारात्मक सोच या नकारात्मक दृष्टिकोण को बदल दें, उसकी जगह पर सकारात्मक सोच या सकारात्मक दृष्टिकोण को रख दें और फिर आप अपनी आँखों से अपनी तकदीर को बदलते देखेंगे और तब आप इस सत्य को जान जाएंगे कि विधाता किसी की तकदीर उसके ललाट पर नहीं लिखता है बल्कि मनुष्य खुद अपने विचारों से अपनी तकदीर लिखता है। अति गरीबी और अति भोग दुख के दो छोर हैं, ये दोनों ही अस्वाभाविक हैं और मानसिक विकृति का परिणाम है। अगर इंसान खुश स्वस्थ और समृद्ध नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके आंतरिक विचारों में गड़बड़ है या तालमेल का अभाव है। खुशी स्वास्थ्य और समृद्धि मनुष्य के आंतरिक विचारों और बाहरी माहौल के सुखद तालमेल का नतीजा है। तभी इंसान बनना शुरू करता है जब वह शिकायत और निंदा करना छोड़ देता है, जब वह उस न्यायपूर्ण नियम की खोज शुरू करता है जो उसके जीवन को संचालित करता है, जब वह अपने दिमाग को इस नियम के अनुरूप ढाल लेता है तो इसके बाद वह अपनी बुरी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देना छोड़ देता है। तब वह अपने दिमाग में प्रबल सकारात्मक और उच्च विचार रखता है। वह परिस्थितियों के खिलाफ निरर्थक संघर्ष करना छोड़ देता है बल्कि उनका इस्तेमाल सहायक साधनों के रूप में करता है जिनसे तेज तरक्की करने में मदद मिले और वे उसके भीतर छिपी शक्तियों व संभावनाओं को खोजने का साधन बन जाए। यह नियम ही है सृष्टि का सबसे प्रबल नियम, प्रबल सिद्धांत है। अन्याय नहीं बल्कि पूर्ण न्याय ही जीवन का सार है। भ्रष्टाचार नहीं बल्कि सदाचार ही विश्व को ढालने और चलाने वाली शक्ति है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य को बस सुख को सही करना है, खुद को सही करना है और इसके बाद वह देखेगा कि संसार अपने आप सही हो गया है। अगर आपने अपनी आँखों पर काला चश्मा लगा रखा है तो आपको संसार काला दिखेगा, लेकिन अगर आप काला चश्मा उतार कर गुलाबी चश्मा लगा लें तो आपको संसार गुलाबी दिखने लगेगा। यह चश्मा और कुछ नहीं बल्कि नज़रिया है। जब आपका नज़रिया गलत होता है तो संसार गलत दिखता है, जब आपका नज़रिया सही होता है तो संसार सही दिखता है। जब आप काले रंग के लिए संसार को कोस रहे थे तो संसार के साथ कोई समस्या नहीं थी, समस्या तो आपके साथ थी। जब आपने अपना काला चश्मा उतार दिया और गुलाबी चश्मा लगा लिया तो संसार भी अलग रंग का दिखने लगा। यानी जब आप खुद को सही कर लेते हैं तो इसके बाद सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। आप पाएंगे कि जब आप चीज़ों और दूसरे लोगों के प्रति अपने विचार बदल लेंगे तो चीज़ें और दूसरे लोग भी बदले हुए नजर आएंगे। इस सच्चाई का सबूत हर व्यक्ति के जीवन में देखा जा सकता है, इसलिए क्रमबद्ध आत्मावलोकन और आत्मविश्लेषण से कोई भी आसानी से इसकी जांच कर सकता है। अगर मनुष्य अपने विचार तेजी से बदल ले तो उसकी जिंदगी की भौतिक परिस्थितियों में इतनी तेजी से परिवर्तन होगा कि उसे देखकर वह हैरान रह जाएगा। इंसान कल्पना करता है कि वह अपने मन के अंदर के विचारों को गोपनीय रख सकता है, लेकिन यह कतई संभव नहीं है। विचार तेजी से आदत में ढल जाता है और आदत परिस्थिति में साकार हो जाती है। पाशविक विचार शराबखोरी और लोलुपता की आदतों में ढल जाते हैं जो दीनता और बीमारी की परिस्थितियों में साकार होती हैं। हर किस्म के अशुद्ध विचार
दुर्बल और दुविधापूर्ण आदतों में ढल जाते हैं जो विचलित करने वाली और विपरीत परिस्थितियों में साकार होती हैं। डर, शंका और अनिर्णय के विचार कमजोर, लचर और ढुलमुल आदतों में ढल जाते हैं जो असफलता, दरिद्रता और दासता की परिस्थितियों में साकार होती हैं। आलसी विचार, अस्वच्छता और झूठ बोलने की कमजोर आदतों में ढल जाते हैं जो मलिनता और भीख मांगने की परिस्थितियों में साकार होती हैं। नफरत और निंदा के विचार दोषपूर्ण व हिंसा की आदतों में ढल जाते हैं जो चोट और उत्पीड़न की परिस्थितियों में साकार होती हैं। हर किस्म के स्वार्थपूर्ण विचार सुख के स्वार्थ को आगे बढ़ाने वाली आदतों में ढल जाते हैं जो कम या अधिक दुखद परिस्थितियों में साकार होती हैं। दूसरी ओर सभी किस्म के सुंदर विचार लाभकारी और अच्छी आदतों में ढल जाते हैं जो लाभकारी व सुखद परिस्थितियों में साकार होती हैं। पवित्र विचार संयम और आत्मनियंत्रण की आदतों में ढल जाते हैं जो शांति और सुख चैन की परिस्थितियों में साकार होती हैं। साहस, आत्मनिर्भरता और सही निर्णय के विचार मर्दाना आदतों में ढल जाते हैं जो सफलता, प्रचुरता और स्वतंत्रता की परिस्थितियों में साकार होती हैं। ऊर्जावान विचार स्वच्छता और मेहनत की आदतों में ढल जाते हैं जो सुरुचिपूर्ण परिस्थितियों में साकार होती है। विनम्र और क्षमावान विचार विनम्रता की आदतों में ढल जाते हैं जो संरचनात्मक परिस्थितियों में साकार होती है। प्रेमपूर्ण और निस्वार्थ विचार दूसरों के खातिर खुद को भूलने की आदतों में ढल जाते हैं जो अचूक, सच्ची और स्थायी समृद्धि की परिस्थितियों में साकार होती हैं। चाहे विचार अच्छा हो या बुरा, अगर उसके प्रवाह में लगातार बहा जाए तो चरित्र और परिस्थितियों में इसके परिणाम अवश्य उत्पन्न होंगे। ऐसा होना तय है, ऐसा न होना असंभव है। देखिए, इससे हम यह महत्वपूर्ण बात सीख सकते हैं कि कोई इंसान प्रत्यक्ष रूप से तो अपनी परिस्थितियों को नहीं चुन सकता, लेकिन वह अपने विचारों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से अपनी परिस्थितियों को बेहतर बना सकता है। अगर आप अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको मालूम है कि उसके लिए आपको क्या करना होगा। आपको बेहतर विचारों को चुनना होगा, खास तौर पर उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में आप तेज तरक्की करना चाहते हैं। अगर आप दौलत के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं तो दौलत के बारे में सकारात्मक और अच्छे विचार सोचें। अगर आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं तो स्वास्थ्य के बारे में सकारात्मक और अच्छे विचार सोचें। ध्यान रहे, आपको बाकी क्षेत्रों में भी सकारात्मक और अच्छे विचार ही सोचना है, लेकिन जिस क्षेत्र में आप सबसे ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपको यह काम ज़्यादा शिद्दत से और ज़्यादा निरंतरता से करना चाहिए। इंसान अपने अंदर के जिन विचारों को सबसे ज़्यादा शिद्दत से महसूस करता है और प्रोत्साहित करता है, प्रकृति उन्हें साकार करने में हर इंसान की मदद करती है। प्रकृति उसके सामने ऐसे अवसर पेश करती है जिससे उसके सबसे प्रबल विचार ऊपर सतह तक आ जाए, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। व्यक्ति अपने पापी विचार छोड़कर तो देखे, सारी दुनिया उसके प्रति नरम पड़ जाएगी और उसकी मदद करने के लिए तैयार होगी। वह अपने कमजोर और बीमार विचार दूर हटाकर तो देखे, उसके दृढ़ संकल्प की मदद करने के लिए हर तरफ अवसर ही अवसर प्रकट हो जाएंगे। वह अपने अच्छे विचारों को प्रोत्साहित करके तो देखे, कोई भी बदकिस्मती उसे दुख और शर्म के दलदल में नहीं फंसा पाएगी। दुनिया बहुरंगी है और यह हर पल आपके सामने रंगों का अलग अलग मिश्रण पेश करती है और ये रंग हमेशा आपके चलाए मान विचारों की तस्वीरों के तालमेल में होते हैं। इंसान की इच्छा शक्ति वह अदृश्य शक्ति है। अमर आत्मा की संतान किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता बना सकती है, भले ही रास्ते में पत्थर की दीवारें खड़ी हों। विलंब होने पर अधीर न हों, बल्कि समझदारों
की तरह इंतजार करें। जब हौसला उठकर आदेश देता है तो देवता भी कहना मानने के लिए तैयार होता है। चैप्टर 4, जैसे विचार वैसा स्वास्थ्य। शरीर दिमाग का सेवक है, यह दिमाग के आदेश मानता है, चाहे उन्हें सोच विचार कर दिया जाए या फिर सोचे समझे स्वचालित ढंग से दिया जाए। गलत विचारों के आदेश पर शरीर तेजी से रोग और नाश की ओर बढ़ने लगता है। प्रसन्न और सुंदर विचारों के आदेश पर यह युवा और सुंदर हो जाता है। परिस्थितियों की तरह ही रोग और सेहत की जड़ें भी विचार में हुई होती हैं। बीमार विचार बीमारी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। अगर आप किसी के प्रति दिल में दुर्भावना रख रहे हैं तो हो सकता है कि यह हृदय रोग का कारण बन जाए। अगर आप क्रोध भरे विचार सोच रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ब्लड प्रेशर हो जाए। अगर आप चिंता कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कोई गंभीर रोग हो जाए। डर के विचार रिवाल्वर की गोली की तरह इंसान की जान ले सकते हैं, ले क्या सकते हैं, ले रहे हैं। डर के विचार लगातार हजारों लोगों को मार रहे हैं, हालांकि उनकी रफ्तार गोली इतनी तेज नहीं। जो लोग रोग से डर कर जीते हैं उनके रोगी होने की आशंका बढ़ जाती है। चिंता पूरे शरीर के मनोबल को तेजी से कम कर देती है और इससे रोग को शरीर में दाखिल होने का मौका मिल जाता है। अशुद्ध गलत और बुरे विचारों को अगर लगातार सोचा जाए तो भले ही उन पर शारीरिक तौर पर अमल ना किया जाए, लेकिन इसके बावजूद वो जल्द ही इंसान के नर्वस सिस्टम को ध्वस्त कर देंगे। शक्तिशाली शुद्ध और प्रसन्नता भरे विचार शरीर में स्फूर्ति और आनंद भरते हैं। शरीर एक नाजुक और लचीला साधन है जो विचारों की छोड़ी गई छाप पर फौरन प्रतिक्रिया करता है। विचार की आदतें चाहे वे अच्छी हों या बुरी, इस पर अपना असर जरूर डालेंगे। देखिए, आपका मस्तिष्क 1.5 किलो से कम का होता है। लेकिन यह पूरे शरीर की 20-25% ऊर्जा का उपयोग करता है और मस्तिष्क अपनी ऊर्जा का ज़्यादातर उपयोग विद्युत संकेतों के आदान प्रदान में करता है। यह हर पल आपके शरीर को संकेत भेज रहा है कि यह क्या करे। आपके हर अच्छे विचार पर यह अपनी अच्छे हार्मोन या रसायन को प्रवाहित करने का आदेश दे देता है और आपके हर बुरे विचार पर यह किसी बुरे हार्मोन या रसायन को प्रवाहित करने का आदेश दे देता है। इसका मतलब यह है कि अच्छे विचार सोचने से आपके शरीर में अच्छे रसायनों का प्रवाह ज़्यादा होता है, जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है और आपके रोगों की आशंका कम रहती है। मनुष्य जब तक अशुद्ध विचार रखेगा तब तक उसका खून अशुद्ध और जहरीला बना रहेगा। निर्मल दिल से ही निर्मल जीवन और निर्मल शरीर मिलता है। प्रदूषित मस्तिष्क का परिणाम है प्रदूषित जीवन और प्रदूषित शरीर। विचार ही कर्म है, जीवन और परिस्थितियों का स्रोत है। अगर आप इस स्रोत को शुद्ध बना लेते हैं तो बाकी सब कुछ अपने आप शुद्ध बन जाएगा। आजकल देखने में आ रहा है कि इंसान बहुत सारे रोगों से परेशान है और अपने शरीर को फिट रखने के लिए बहुत सारे तरीके आजमा रहा है। इंसान स्वस्थ बनने के लिए डाइटिंग कर रहा है, लेकिन यह ध्यान रखे, जब तक वह अपने अंदर के गलत विचारों को नहीं बदलेगा तब तक खान पान बदलने या डाइटिंग करने से उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। अगर डाइटिंग करनी ही है तो नकारात्मक विचारों की डाइटिंग करें, फिर आपको भोजन के मामले में डाइटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, इसके विचार शुद्ध हो जाते हैं। जिसके विचार शुद्ध हो जाते हैं उसके मन में अशुद्ध या हानिकारक आहार खाने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए स्वास्थ्य के मामले में बाहर के बजाय अंदर काम करें। स्वच्छ विचारों से स्वच्छ आदतें उत्पन्न होती हैं। जो तथाकथित संत अपना शरीर साफ नहीं करता
वह दरअसल संत नहीं, जिसने अपने विचारों को मजबूत बना लिया और शुद्ध कर लिया है। उसे बुरे रोगाणुओं के बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप अपने शरीर की रक्षा करना चाहते हैं तो अपने दिमाग पर पहरा लगा दें। अगर आप अपने शरीर को सुंदर बनाना चाहते हैं तो अपने दिमाग को सुंदर बना लें। द्वेष, ईर्ष्या, निराशा और हताशा के विचार शरीर की सेहत और लावण्य छीन लेते हैं। चेहरा संयोग या किस्मत से खराब नहीं होता है, यह तो विचारों के कारण खराब होता है। झुर्रियों सिर्फ उम्र की वजह से ही नहीं पड़ती, वे मूर्खता, गलत आदतों और घमंड की वजह से ही भी पड़ती हैं। मैं 96 साल की एक महिला को जानता हूँ जिसके चेहरे पर किसी किशोरी जैसी तेज और मासूमियत है। मैं एक अधेड़ व्यक्ति को भी जानता हूँ जिसके चेहरे पर झुर्रियों की गहरें लकीरें हैं। महिला का युवा चेहरा मधुर और आशावादी स्वभाव का परिणाम है, जबकि अधेड़ व्यक्ति की झुर्रियाँ असंतोष और वासनाओं का परिणाम है। जिस तरह हवा और धूप अंदर आए बिना घर अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक नहीं हो सकता, उसी तरह मजबूत शरीर और तेजस्वी, खुश और शांत चेहरा तभी मिल सकता है जब आप सुखी, सदइच्छा और शांति के विचारों को खुलकर अपने दिमाग में आने दें। बूढ़े लोगों के चेहरे की झुर्रियाँ सहानुभूति से बनती हैं, बाकी दृढ़ और शुद्ध विचारों से बनती हैं, जबकि युवाओं के चेहरे पर हानिकारक वासनाओं की वजह से झुर्रियों बन जाती हैं। उनमें फर्क किसे नहीं दिखेगा। जो लोग जिंदगी भर सही रास्ते पर चले हैं, बुढ़ापे में भी उनका चेहरा ढलते सूरज की तरह शांत और परिपक्व होता है। मैंने कुछ समय पहले एक दार्शनिक को मृत्युशैया पर देखा। उनकी उम्र ज़्यादा थी लेकिन वे बूढ़े नहीं दिख रहे थे। वे उतने ही शांति से भरे जितनी शांति से वे जिए थे। शरीर की बीमारियों को दूर भगाने के लिए प्रसन्नता से भरे विचारों से बढ़िया कोई डॉक्टर नहीं है। दुख की छायाओं को तितर बितर करने के लिए सदिच्छा से ज़्यादा राहत देने वाला कुछ नहीं है। दुर्भावना, आलोचना, शंका और ईर्ष्या के विचारों में लगातार जीने का मतलब यह है कि आप खुद ही कारागार बनाकर खुद को कैद कर रहे हैं। लेकिन सबके बारे में अच्छा सोचना, सबसे खुशनुमा व्यवहार करना और सभी चीज़ों में अच्छाई खोजना, इस तरह के निस्वार्थ विचार स्वर्ग के द्वार हैं। और उत्साहवर्धक बात यह है कि जब किसी इंसान के मन में इस तरह के नेक विचार होते हैं तो उसे यह संसार ही स्वर्ग जैसा लगने लगता है। हर दिन हर प्राणी के प्रति शांतिपूर्ण विचार रखने से ही मनुष्य को असीमित शांति मिलती है। चैप्टर 5, उद्देश्यपूर्ण विचार सफलता दिलाते हैं। जब तक कि विचार को उद्देश्य के साथ ना जोड़ा जाए, तब तक कोई भी बुद्धिमत्तापूर्ण उपलब्धि हासिल नहीं हो सकती। ज्यादातर लोग अपने विचार की कश्ती को जिंदगी के महासागर में निरुद्देश्य बहने देते हैं। लक्ष्यहीनता दुर्गुण है, यह तबाह होने का अचूक उपाय है। निरुद्देश्य बहना उस व्यक्ति को पसंद नहीं होता जो विनाश और तबाही से बचना चाहता है। जिन लोगों के जीवन का कोई केंद्रीय उद्देश्य नहीं है होता, वे छोटी छोटी चिंताओं, डरों, कष्टों और दयनीय विचारों का आसानी से शिकार हो जाते हैं, जो सभी कमजोरी के सूचक हैं, जानबूझकर किए गए पापों की तरह। हालांकि अलग मार्ग से ही ये भी निश्चित रूप से असफलता, दुख और नुकसान की ओर ले जाते हैं। इसका कारण यह है कि शक्तिशाली ब्रह्मांड में कमजोरी कायम नहीं रह सकती। यह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का संसार है, इसलिए आपको शक्तिशाली बनना होगा। और सही उद्देश्य का एक लाभ यह है कि यह आपको शक्तिशाली बना देता है। इंसान को अपने दिल में सही उद्देश्य या लक्ष्य रखना चाहिए और उसे हासिल करने में जुट जाना चाहिए। उसे अपने लक्ष्य को अपने सभी विचारों का केंद्र बिंदु बना लेना चाहिए। यह लक्ष्य आध्यात्मिक भी हो सकता है और सांसारिक भी।
जो उस वक्त उसके स्वभाव या प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन लक्ष्य चाहे जो हो उसे अपने अपने तय लक्ष्य पर अपनी समूची विचार शक्तियों को निरंतर केंद्रित करना चाहिए। उसे इस लक्ष्य को हासिल करने को अपना सर्वोच्च कर्तव्य मानना चाहिए। उसे इस लक्ष्य तक पहुंचने के प्रति पूरी तरह समर्पित होना चाहिए। उसे अपने विचारों को अल्पकालिक सनक इच्छाओं और कल्पनाओं से में भटकने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह आत्मनियंत्रण और सच्ची वैचारिक एकाग्रता का राजमार्ग है, भले ही वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बार बार नाकाम हो, जो तब तक होता रहेगा जब तक कि वह अपनी कमजोरी पर विजय न पाले। लेकिन इससे उसे जो चारित्रिक शक्ति हासिल होगी वह उसकी सच्ची सफलता का पैमाना है होगी, और यह भावी शक्ति और विजय का नया शुरुआती बिंदु बन जाएगी। जो लोग यह महसूस करते हैं कि वे किसी महान लक्ष्य के लिए तैयार नहीं हैं, वे क्या करें? उन्हें अपने कर्तव्य के शत प्रतिशत त्रुटि रहित पालन पर विचार केंद्रित करने चाहिए, चाहे वे काम कितने ही महत्वहीन दिख रहे हों। सिर्फ इसी तरह से विचार एकत्रित और केंद्रित किए जा सकते हैं। सिर्फ इसी तरह से संकल्प और ऊर्जा विकसित की जा सकती है। एक बार जब इसकी आदत पड़ जाती है तो इसकी बदौलत आप संसार में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। एकाग्रता से आप अपनी हर मनचाही चीज हासिल कर सकते हैं, एक समय में, एक एक करके। कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी अगर अपनी कमजोरी जानता है और इस सच्चाई पर यकीन करता है कि शक्ति सिर्फ कोशिश और अभ्यास से हासिल की जा सकती है, तो वह इस पर फौरन मेहनत करने लगता है। वह कोशिश के बाद कोशिश करता रह जाता है। उसकी कोशिशों की बदौलत उसका धैर्य और शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। वह हर पल विकास करेगा और अंततः दैवी शक्ति हासिल कर लेगा। जिस तरह शारीरिक दृष्टि से विचार व्यक्ति सही तरीके और धैर्य से व्यायाम करके खुद को मजबूत बना सकता है, उसी तरह कमजोर विचारों वाला व्यक्ति भी सही विचारों का व्यायाम करके खुद को मजबूत बना सकता है। जिस तरह शारीरिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति सही तरीके और धैर्य से व्यायाम करके खुद को मजबूत बना सकता है, उसी तरह कमजोर विचारों वाला व्यक्ति भी सही विचारों का व्यायाम करके खुद को मजबूत बना सकता है। लक्ष्यहीनता और कमजोरी को दूर भगा दें, उद्देश्यपूर्ण ढंग से सोचना शुरू करें। इस तरह आप उन शक्तिशाली लोगों की जमात में पहुंच जाएंगे जो असफलता को भी सफलता तक पहुंचने का एक मार्ग बना लेते हैं, जो हर तरह की परिस्थिति से लाभ उठाते हैं, जो दृढ़ता से सोचते हैं, निडरता से कोशिश करते हैं और महारथी की तरह सफलता हासिल करते हैं। अपना उद्देश्य तय करने के बाद मनुष्य को अपने दिमाग में इसे हासिल करने का सीधा मार्ग तय कर लेना चाहिए। इसके बाद उसे दाएं बाएं नहीं देखना चाहिए। अगर आप पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो आपको पश्चिम दिशा की तरफ नहीं देखना चाहिए। आपको अपने अतीत पर अफसोस नहीं करना चाहिए या उसकी सुनहरी यादों में नहीं खोना चाहिए। इसके अलावा आपको उत्तर दिशा में भी नहीं देखना चाहिए कि वहाँ क्या चल रहा है। आपको दक्षिण दिशा में भी नहीं देखना चाहिए कि उस तरफ की सड़क ज्यादा अच्छी दिख रही है और आपकी चुनी हुई सड़क से ज्यादा आसान दिख रही है। अगर आपने पूर्व दिशा में जाने का लक्ष्य बना लिया है तो सिर्फ पूर्व दिशा में ही आगे तक देखें, इधर उधर ना देखें। घोड़े की आंखों पर अगल बगल में पट्टी बांधी जाती है ताकि वह इधर उधर की चीजें को देख कर विचलित न हो, बल्कि अपने सामने की दिशा में चलने पर ध्यान केंद्रित करे। लक्ष्य केंद्रित इंसान को भी अपने लक्ष्य की दिशा में प्रगति करते समय ऐसा करना पड़ चाहिए। शंकाओं और डरों को दृढ़ता से दूर हटा दें। ये विघटनकारी तत्व हैं जो कोशिश की सीधी लीक को छोड़ देते हैं और इसे टेढ़ी मेढ़ी, अप्रभावी तथा बेकार बना देते हैं।
शंका और डर के विचारों से कभी कोई चीज हासिल नहीं की गई है और कभी की भी नहीं जा सकती। ये हमेशा असफलता की ओर ले जाते हैं। शंका और डर रहने से उद्देश्य, ऊर्जा, काम करने की शक्ति और सभी शक्तिशाली विचार थम जाते हैं। देखिए, अगर आपके मन में शंका है तो इसका मतलब है कि आपको खुद पर या ईश्वर पर विश्वास नहीं है। आत्मविश्वास की इस कमी की वजह से आप ज्यादातर समय दुविधा में रहेंगे और यही सोचते रहेंगे कि आप उस काम को कर पाएंगे या नहीं। अगर आप डर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस काम को आधे अधूरे दिल से करेंगे और आधी अधूरी शक्ति से भी, क्योंकि आपको यह डर है कि कहीं आप गलत ना हो। शंका और डर एकाग्रता के शत्रु हैं, वे आत्मविश्वास के शत्रु हैं। जब तक ये शत्रु आपके दिमाग में डेरा डाले रहेंगे तब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत और एकाग्रता से प्रयास नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन्हें अपने दिमाग से बाहर निकाल दें और आत्मविश्वास को दिमाग में बैठा लें। काम करने की इच्छा शक्ति इस ज्ञान से उत्पन्न होती है कि हम उसे कर सकते हैं। शंका और डर ज्ञान के महाशत्रु हैं। जो भी इन महाशत्रुओं को अपने दिमाग में जगह देता है और उन्हें खत्म नहीं करता है, वह अपनी राह में हर कदम पर खुद अवरोध खड़े करता है। जो शंका और डर को जीत लेता है वह असफलता को भी जीत लेता है। उसका हर विचार शक्तिशाली हो जाता है। वह तमाम मुश्किलों का बहादुरी से मुकाबला करता है और उन्हें जीत लेता है। वह अपने उद्देश्यों के बीज सही समय पर बोता है और उनके फल असमय ही जमीन पर नहीं गिरते हैं। उद्देश्य से जुड़े साहसिक विचार में सृजनात्मक शक्ति होती है। जो मनुष्य यह बात जान ले जाता है वह भटकते विचारों और हिचकोले खाती अनुभूतियों से ज्यादा ऊंचा और शक्तिशाली बनने के लिए तैयार होता है। जो यह कर लेता है वह अपनी मानसिक शक्तियों का सचेतन और बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल करता है और अपने चुने हुए क्षेत्र में सफलता हासिल करता है। इसलिए अगर आप अपने विचारों की शक्ति का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो इन्हें किसी लक्ष्य पर केंद्रित कर लें। एज अ मैन थिंकेथ, विचार हर उपलब्धि की नींव है। इंसान कोई चीज हासिल करने में सफल होता है या असफल, यह उसके विचारों का सीधा परिणाम होता है। यह सृष्टि न्यायपूर्ण है, यहाँ असंतुलन पूर्ण विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए सफलता या असफलता के लिए इंसान ही पूरी तरह जिम्मेदार होता है। इंसान की कमजोरी और शक्ति उसकी शुद्धता और अशुद्धता उसकी खुद की होती है, किसी दूसरे की नहीं होती। इनके लिए कोई दूसरा नहीं बल्कि वह खुद जिम्मेदार है। इसलिए इन्हें कोई दूसरा नहीं बल्कि वह खुद ही बदल सकता है। उसकी परिस्थिति भी किसी दूसरे की नहीं बल्कि उसकी अपनी है। उसके कष्ट और सुख अंदर से आते हैं। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह होता है। जैसा वह सोचता रहता है वैसा ही वह बन जाता है। जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन होगा। अगर विचार उत्तम है तो जीवन भी उत्तम होगा। अगर विचार निकृष्ट है तो जीवन भी निकृष्ट होगा। शक्तिशाली शक्ति किसी भी कमजोर व्यक्ति की तब तक मदद नहीं कर सकता जब तक कि कमजोर व्यक्ति अपनी मदद करना न चाहे, और तब भी कमजोर व्यक्ति को खुद शक्तिशाली बनना होगा। उसे अपनी खुद की कोशिशों से वह शक्ति विकसित करनी होती है जिसे वह दूसरों में हसरत से देखता है। उसकी परिस्थिति कोई दूसरा नहीं बल्कि वह खुद ही बदल सकता है। लोग आमतौर पर यह सोचते और कहते हैं कई लोग गुलाम हैं क्योंकि एक व्यक्ति दमनकारी है, इसलिए आइए हम दमनकारी व्यक्ति से नफरत करते हैं। लेकिन इस मूल्यांकन की एक विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है जो अब बढ़ती जा रही है। यह प्रतिक्रिया कहती है एक व्यक्ति दमनकारी इसलिए है क्योंकि कई लोग गुलाम हैं, इसलिए आइए हम गुलामों से नफरत करते हैं। सच्चाई तो यह है कि दमनकारी व्यक्ति और गुलाम अज्ञान में सहयोगी हैं। हालांकि वे एक दूसरे को कष्ट पहुंचाते नजर आते हैं लेकिन दरअसल वे खुद को ही कष्ट पहुंचा रहे हैं। पूर्ण ज्ञान होने पर दमितों की कमजोरी और दमनकारी के शक्ति के दुरुपयोग में सक्रिय नियम को देखा जा सकता है। पूर्ण प्रेम दोनों अवस्थाओं के
के कष्ट को देख सकता है, इसलिए यह किसी की भी निंदा नहीं करता। पूर्ण करुणा दमनकारी और दमितों दोनों को गले लगाती है। जिसने कमजोरी पर विजय पाली हो और सभी स्वार्थपूर्ण विचारों को दूर धकेल दिया हो, वह न तो दमनकारी होता है न ही दमित, वह पूरी तरह स्वतंत्र होता है। मनुष्य अपने विचारों को ऊपर उठाकर ही ऊपर उठ सकता है, जीत सकता है और उपलब्धि हासिल कर सकता है। वह अपने विचारों को ऊपर उठाने से इनकार करके कमजोर, दीन और दुखी बना रह सकता है। आप क्या करना चाहते हैं, यह पूरी तरह से आप पर और आपके चुनाव पर निर्भर करता है। कोई भी चीज़ हासिल करने से पहले, यहाँ तक कि सांसारिक चीज़ों के मामले में भी, इंसान को अपने विचार वास्तविक भोग से ऊपर उठाने होंगे। हो सकता है कि सफल होने के लिए सारी वास्तविकता और स्वार्थ छोड़ने की जरूरत ना हो, लेकिन इसके कम से कम एक हिस्से का त्याग करना जरूरी होता है। जिस व्यक्ति का पहला विचार पशुओं की तरह भोगवादी होता है, वह ना तो स्पष्टता से सोच सकता है ना ही अच्छी योजना बना सकता है। वह अपने भीतर निहित संसाधन नहीं खोज सकता, उन्हें विकसित नहीं कर सकता और इसका नतीजा यह होता है कि वह हर काम में असफल होता है। उसने उत्तम मनुष्य की तरह अपने विचारों पर काबू नहीं किया है, इसलिए वह मामलों को नियंत्रित करने और गंभीर जिम्मेदारियां लेने की स्थिति में नहीं होता। वह आत्मनिर्भरता से काम करने और अकेले खड़े रहने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। लेकिन ध्यान रहे, उसकी सीमा उसके ही विचारों ने तय की है, जिनका उसने खुद चुनाव किया है, और जिस चीज़ को उसने खुद चुना है उसे वह कभी भी छोड़ सकता है। आप किसी भी पल अपने विचारों को बदल सकते हैं, और जिस पल आप अपने विचारों को बदल लेते हैं उसी पल आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। त्याग के बिना कोई प्रगति या उपलब्धि संभव ही नहीं। इंसान की सांसारिक सफलता इसी पैमाने पर नापी जाती है कि वह अपने द्विधापूर्ण पार्श्विक विचारों का कितना त्याग करता है, वह अपनी योजनाओं के विकास पर अपने दिमाग को कितना केंद्रित करता है, और वह अपने संकल्प तथा आत्मनिर्भरता को कितना मजबूत बनाता है। वह अपने विचारों को जितना ज़्यादा ऊपर उठाएगा उतना ही ज़्यादा सफल व सदाचारी होगा, उसे उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी और उसकी उपलब्धियाँ उतनी ही ज़्यादा स्थायी होंगी। सृष्टि लोभी, बेईमान और पापी लोगों का साथ नहीं देती। हालांकि कई बार ऊपर से सतही तौर पर ऐसा नज़र आ सकता है, यह ईमानदार, निस्वार्थ और भले लोगों की मदद करती है। हर युग के महान उपदेशकों ने यह बात अलग अलग तरीके से कही है। अगर आप इसे साबित करना चाहते हैं और इसकी पुष्टि करना चाहते हैं तो और कुछ ना करें, बस अपने विचारों को ऊपर उठाने और खुद को ज़्यादा सद्गुणी बनाने का काम निरंतर करते चले जाएं। बौद्धिक उपलब्धियाँ ऐसे विचारों का परिणाम हैं जो ज्ञान की खोज या जीवन व प्रकृति के सौंदर्य और सत्य की खोज के प्रति समर्पित हैं। इस तरह की उपलब्धियाँ कई बार दंभ और महत्वाकांक्षा से जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे, वे इन गुणों का परिणाम नहीं हैं, वे तो दीर्घकालीन और कष्टकारी कोशिशों का स्वाभाविक परिणाम हैं और शुद्ध तथा निस्वार्थ विचारों का। आध्यात्मिक उपलब्धियाँ पवित्र आकांक्षाओं का उत्कर्ष हैं। जो इंसान लगातार महान और उच्च विचार सोचता है, जो शुद्ध और निस्वार्थ विचारों को अपने दिमाग में कायम रखता है, वह उसी तरह समझदार, चरित्रवान बनता है तथा प्रभाव व सौभाग्य के पद तक ऊपर उठता है। जिस तरह सूर्य आसमान में ऊपर उठता है या चंद्रमा पूर्ण बनता है, किसी भी तरह की सफलता प्रयास का मुकुट और विचार का ताज है। आत्मनियंत्रण, संकल्प, पवित्रता, सत्य और अच्छे विचारों की मदद से इंसान ऊपर उठता है। वास्तविकता, आलस, अशुद्धता, भ्रष्टाचार और दुविधापूर्ण विचारों की वजह से इंसान नीचे गिरता है। यह संभव है कि कोई व्यक्ति दुनिया में भारी सफलता हासिल कर ले या आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच जाए, लेकिन अपने दिमाग में घमंडी, स्वार्थपूर्ण और भ्रष्ट विचारों को आने की अनुमति देकर दोबारा पतित होकर कमजोरी और दुख के स्तर तक नीचे आ जाए। इसलिए इस बारे में सावधान रहें, अगर आप सही विचार रखकर सफल हो जाते हैं तो आपका काम पूरा नहीं हुआ है। आपको पूरी तरह सतर्क रहना होगा कि कहीं गलत विचार आपके दिमाग में घुसकर डेरा न डाल दें। इसलिए समय समय पर अपने दिमाग की तलाशी लेते रहें और उस पर एक बोर्ड लगा दें। नकारात्मक विचारों का प्रवेश निषिद्ध है। सही विचारों की बदौलत हासिल जीत को कायम रखने के लिए लगातार
अपने मस्तिष्क को सही विचारों से भरा रखें, नकारात्मक या बुरे विचारों के लिए जगह ही न छोड़ें। सफल होने के बाद कई लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि वे तेजी से फिसल जाते हैं और दोबारा असफलता की घाटी में गिर जाते हैं। सभी सफलताएं, चाहे वो व्यवसायिक जगत में हों, बौद्धिक संसार में हों या आध्यात्मिक क्षेत्र में, सही दिशा में सही विचारों का परिणाम है। ये उसी नियम और उसी तरीके का परिणाम है, फर्क सिर्फ हासिल होने वाली वस्तु का होता है। जो कम हासिल करना चाहता है उसे कम त्याग करने की ज़रूरत है, जो ज़्यादा हासिल करना चाहता है उसे ज़्यादा त्याग करने की ज़रूरत है, जो बहुत ज़्यादा हासिल करना चाहता है उसे बहुत ज़्यादा त्याग करने की ज़रूरत है। इसे इस तरह से समझें, अगर आप अपने मोहल्ले में दौड़ में जीतना चाहते हैं तो आपको कम अभ्यास करने की ज़रूरत होगी। अगर आप अपने शहर में दौड़ में जीतना चाहते हैं तो आपको काफ़ी अभ्यास करने की ज़रूरत होगी। और अगर आप ओलंपिक की दौड़ में जीतना चाहते हैं तो आपको हर समय अभ्यास करने की ज़रूरत होगी और बाकी हर चीज़ को त्याग करने की ज़रूरत होगी। आपके लक्ष्य में यह तय होता है कि आपको कितना त्याग करना चाहिए, लेकिन आसान जीवन के प्रलोभन में न जाएं, बड़ा लक्ष्य रखें। यह न भूलें कि आप ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर ने आपको इस संसार में छोटे काम करने के लिए नहीं भेजा। हर सपना सुखद भविष्य का विचार है। स्वप्नदर्शी संसार के तारणहार हैं। जिस तरह दृश्य जगत अदृश्य जगत से पोषण पाता है, उसी तरह मानवता भी अपने सारे कष्टों, पापों और बुरे कर्मों के बावजूद स्वप्नदर्शियों के सुंदर सपनों से पोषण पाती है। मानव जाति स्वप्नदर्शियों को नहीं भूल सकती है, यह उनके सपनों को धूमिल होने या मरने नहीं दे सकती है, यह उनकी बदौलत जीती है। यह जानती है कि वे सपने एक न एक दिन सच होंगे। संगीतकार, मूर्तिकार, चित्रकार, कवि, दार्शनिक, संत, ये सभी पारलौकिक सृजक हैं, स्वर्ग के शिल्पकार हैं। उनके रहने से ही संसार सुंदर बनता है, उनके बिना मेहनत कस मानवता नष्ट हो जाएगी। जो व्यक्ति अपने दिल में बड़ा सपना रखता है वह एक न एक दिन उसे हासिल कर लेगा। कोलंबस ने दूसरी दुनिया खोजने का सपना संजोया था और उसने अंततः इसे खोज ही लिया था। कॉपरनिकस ने ज़्यादा बड़े ब्रह्मांड का स्वप्न संजोया था और आखिरकार उन्होंने उसे खोज लिया। गौतम बुद्ध ने वेदांत सौंदर्य और पूर्ण शांति के आध्यात्मिक जगत का स्वप्न देखा था और वे इसमें दाखिल हो गए। अपने सपने संजोएं, अपने आदर्श सहेजें, उस संगीत को सराहें जो आपके दिल के तार झंझनाता है, उस सुंदरता को सराहें जो आपके दिमाग में आकर लेती है, जो आपके दिमाग में आकार लेती है, और उस सौंदर्य को भी सराहें जिसमें आपके सबसे शुद्ध विचार लिपटे हुए हैं, क्योंकि उन्हीं से सभी तरह की सुखद स्थितियां पैदा होंगी, उन्हीं से स्वर्ग जैसी संसार बनेगा। उनके प्रति सच्चे बने रहें, क्योंकि उन्हीं के बदौलत आपका मनचाहा संसार आखिरकार साकार होगा। इच्छा करने का मतलब है हासिल करना, आकांक्षा करने का मतलब है पाना। क्या मनुष्य की सबसे क्षुद्र इच्छाएं पूरी तरह संतुष्ट होंगी और उसकी सबसे पवित्र आकांक्षाएं पोषण की कमी के चलते भूखी रहेंगी? नियम इस तरह काम नहीं करता है, ऐसी स्थिति कभी नहीं हो सकती। बाइबल का नियम याद रखें, मांगे और पाए। सपना देखने का मतलब है कि आप मांग रहे हैं। बार बार सपना देखने का मतलब है कि आप शिद्दत से मांग रहे हैं। लगातार सपना देखने का मतलब है कि आप उस चीज़ को शत प्रतिशत शिद्दत से मांग रहे हैं और आप खुद को उस पर केंद्रित कर चुके हैं। ऊंचे सपने देखें, क्योंकि आप जैसे सपने देखते हैं वैसे ही बनेंगे। आपका सपना इस बात का वादा है कि आप एक न एक दिन वैसे ही बनेंगे। आपके मन में संजोया गया सपना एक भविष्यवाणी है जिसे आप एक दिन पूरी करेंगे। हर महान उपलब्धि पहले पहल एक सपना होती है। वृक्ष बीज में सोया रहता है, पक्षी अंडे में इंतजार करता है, और आत्मा के सर्वोच्च स्वप्न में एक जागता हुआ देवदूत रहता है। सपने वास्तविकताओं के बीज हैं, क्योंकि सपने भविष्य के वे विचार हैं जो सही समय आने पर खुद को प्रकट कर देते हैं और मूर्त रूप में साकार हो जाते हैं। हो सकता है कि आपके हालात अच्छे न हों, मगर वे बदल जाएंगे, बशर्ते आप सिर्फ एक लक्ष्य बना लें और उस तक पहुंचने की कोशिश करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अंदर के संसार में तो यात्रा करें लेकिन बाहर के संसार में स्थिर खड़े रहें। एक किशोर गरीबी और मजदूर के जाल में फंसा हुआ था। वह दिन रात एक घटिया
वर्कशॉप में काम करता था। उसे स्कूली शिक्षा नसीब नहीं हुई थी और वह संस्कृत भी नहीं था, लेकिन उसने बेहतर चीज़ों के सपने देखे। उसने बुद्धि, परिष्कार, सौंदर्य और वरदानों के बारे में सोचा। उसने जीवन के आदर्श स्वप्न की कल्पना की और उसकी मानसिक तस्वीर बनाई। ज़्यादा व्यापक मानसिक स्वतंत्रता और ज़्यादा बृहद वैचारिक दायरा उस पर हावी हो गया। बेचैनी और असंतुष्टि ने उसे काम करने के लिए प्रेरित किया। नतीजा यह हुआ कि उसने अपना सारा खाली समय अपनी निहित शक्तियों और संसाधनों को बढ़ाने में लगा दिया। जल्द ही उसने अपनी मानसिकता को इतना बदल दिया कि वर्कशॉप का दायरा उसके लिए छोटा पड़ने लगा। यह उसकी मानसिकता की तालमेल में नहीं रहा। विचारों के अनुरूप न होने पर बाहरी परिस्थितियां जिंदगी से उसी तरह चली जाती हैं जिस तरह किसी कपड़े को उतार दिया जाता है, तब बड़े अवसर मिलते हैं जो उसकी बढ़ती शक्तियों के दायरे के अनुरूप होते हैं। वर्षों बाद यह किशोर वयस्क बन गया, हम पाते हैं कि वह दिमाग की कुछ निश्चित शक्तियों का स्वामी बन चुका है, जिसने इस्तेमाल से वह पूरी दुनिया पर असर डालता है और अपने क्षेत्र में बेमिसाल बन चुका है। उसके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके शब्दों में लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है। लोग उसकी कही बातों पर अमल करते हैं और अपने चरित्र को नए सांचे में ढालते हैं। सूरज की तरह वह अटल केंद्र बन चुका है, जिसके चारों ओर असंख्य तकदीरें घूमती हैं। वह अपनी किशोरावस्था के सपने को साकार कर चुका है। इसी तरह आप भी अपने दिल में सपने को आलसी इच्छा नहीं साकार कर सकते हैं। इसी तरह आप भी अपने दिल के सपने को साकार कर सकते हैं, चाहे यह क्षुद्र हो या सुंदर या दोनों का मिश्रण हो। आप हमेशा उसकी ओर झुकेंगे जिससे आप मन ही मन सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। आप ही के विचारों के सटीक परिणाम आपके हाथों में रख दिए जाएंगे। आपको वह मिलेगा जिसके आप लायक होंगे, न उससे कम न उससे ज़्यादा। आपका वर्तमान माहौल चाहे जैसा हो, आप अपने विचारों अपने सपनों के अनुसार नीचे गिरेंगे, वहीं रहेंगे या ऊपर उठेंगे। आप अपनी नियंत्रणकारी इच्छा जितने छोटे बनेंगे या अपनी प्रबल आकांक्षा जितने महान बनेंगे। स्टैंटन कर्क हैम डेविस ने सुंदरता से लिखा है, हो सकता है कि आप लेखा मिला रहे हों और फिर आप उस दरवाजे से निकलकर बाहर जाएंगे जो हमेशा से आपको अपने सपनों का अवरोध लगा था, और खुद को श्रोता समूह के सामने पाएंगे। पेन अब भी आपके कान में लगा हुआ है, स्याही के धब्बे आपकी उंगलियों पर हैं और तुरंत ही आप अपनी प्रेरणा को धारा प्रवाह बोलने लगेंगे। हो सकता है कि आप भेड़ चरा रहे हों और आप देहात से शहर की ओर चले जाते हैं, लेकिन आप महारथी के स्टूडियो में आत्मा के साहसिक मार्गदर्शन में चलेंगे और एक समय आएगा जब वह कहेगा, अब मुझे तुम्हें सिखाने की को कुछ बाकी नहीं रहा। तब आप भी महारथी बन जाएंगे जिसने कुछ समय पहले ही भेड़ चराते समय महान चीज़ों के सपने देखे थे। आप कुल्हाड़ी को नीचे रख देंगे और संसार के उत्थान की जिम्मेदारी उठा लेंगे। अविचारी, अज्ञानी और आलसी लोग सिर्फ चीज़ों के मूर्त परिणाम को देखते हैं। वे अमूर्त कारणों पर गौर नहीं करते क्योंकि वे दिखाई नहीं देते हैं। इसी वजह से वे हमेशा तकदीर, किस्मत और संयोग का जिक्र करते रहते हैं। किसी आदमी को अमीर बनते देखकर वे कहते हैं, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। किसी को बौद्धिक योग्यता हासिल करते देखकर वे कहते हैं, उसे जन्मजात प्रतिभा मिली है। और किसी के संत जैसे चरित्र और उस दूसरों पर उसके प्रभाव को देखकर वे कहते हैं, संयोग ने हर मोड़ पर उसकी मदद की। वे उन कष्टों, असफलताओं और संघर्षों को नहीं देख पाते जिनके बाद ही इन लोगों को ये परिणाम मिले। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि सामने वाले ने कितने त्याग किए, कितनी निरंतर कोशिश की, कितनी आस्था रखी, जिसकी बदौलत उन्होंने अजय दिखने वाले मुश्किलों को पार करके अपने दिल के सपने को साकार किया। लेकिन सामान्य लोग सफलता के पीछे ये कष्टों और दुखों को नहीं देख पाते। उन्हें तो सिर्फ रोशनी और खुशी ही नज़र आती है
और वे इसे किस्मत का नाम दे देते हैं। वे लंबी और कष्टकारी यात्रा को नहीं देखते हैं, सिर्फ सुखद लक्ष्य तक पहुंचने की विजय गाथा को देखते हैं, इसलिए वे इसे आसानी से खुशकिस्मती कह देते हैं। ऐसे लोग प्रक्रिया को नहीं समझते हैं बल्कि सिर्फ परिणाम को ही देखते हैं, इसलिए वे इसे संयोग का नाम दे देते हैं। सभी इंसानी मामलों में प्रयास होते हैं और उनके परिणाम होते हैं। प्रयास की शक्ति ही परिणाम का पैमाना है, संयोग पैमाना नहीं है। प्रतिभा और शक्तियाँ प्रयास के फल हैं। सभी भौतिक, बौद्धिक या आत्मिक उपलब्धियाँ प्रयास के फल हैं। उपलब्धि का मतलब है वह विचार जो पूर्णता तक पहुँचा, वह लक्ष्य जो हासिल हुआ और वह सपना जो साकार हुआ। जिस सपने को आप अपने दिमाग में महिमा मंडित करते हैं, जिस विचार को आप अपने दिल के सिंहासन पर बिठाते हैं, आप अपने जीवन को उसी के अनुरूप बनाते हैं। इसलिए अगर आप इस संसार में सफल होना चाहते हैं तो अपने विचारों पर सबसे पहले और सबसे बढ़कर ध्यान दें, क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। सफलता के विचार सोचेंगे तो सफल होंगे, असफलता के विचार सोचेंगे तो असफल होंगे। मुद्दे की बात यह है कि अगर सोचने का विकल्प चुनना हमारे हाथ में है तो फिर सफलता के विचार क्यों ना सोचें। इसी में समझदारी है, इसी में फायदा है। अगला अध्याय, शांत विचार शांत जीवन। मानसिक शांति बुद्धिमत्ता का सुंदर रत्न है। जिस तरह मोती की खोज में गोताखोर को गहरे पानी में जाना होता है, उसी तरह मानसिक शांति का यह रत्न भी आसानी से नहीं मिलता है। यह आत्मनियंत्रण के लंबे और धैर्यवान प्रयासों का परिणाम होती है। मानसिक शांति परिपक्व अनुभव की निशानी है। इससे पता चलता है कि वह व्यक्ति नियमों और विचार प्रक्रियाओं को सामान्य से ज्यादा समझता है। इंसान उसी हद तक शांत रहता है जिस हद तक वह यह मानता है कि उसका जीवन उसके विचारों का परिणाम है। इस ज्ञान के लिए यह समझना भी जरूरी है कि दूसरों की परिस्थितियाँ और व्यक्तित्व भी उनके विचारों के परिणाम हैं। जब उसमें सही समझ आ जाती है और कारण तथा परिणाम के नियम की मदद से वह चीज़ों के आंतरिक संबंधों को ज़्यादा स्पष्टता से देख लेता है, तो वह बात का बतागंगड़ नहीं बनाता, विचलित नहीं होता, चिंता नहीं करता और दुखी नहीं होता। वह हर स्थिति में संतुलन और शांत बना रहता है। शांत व्यक्ति खुद पर शासन करना सीख लेता है, इसलिए वह दूसरों के अनुरूप ढलने का तरीका जानता है और दूसरे लोग उसकी आत्मिक शक्ति के कायल होते हैं। वे महसूस करते हैं कि वे उससे सीख सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं। इंसान जितना ज़्यादा शांत होता है, उसकी सफलता, प्रभाव और नेकी करने की शक्ति उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। सामान्य व्यापारी भी अगर ज़्यादा आत्मनियंत्रण और शांति विकसित कर ले तो उसकी व्यापारिक समृद्धि बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग हमेशा शांत व्यक्ति के आसपास रहना चाहते हैं। शांत व्यक्ति से सभी लोग प्रेम करते हैं, उसका हमेशा सम्मान किया जाता है। वह तपती धूप में छायादार पेड़ जैसा होता है, वह तूफान में सहारा देने वाली चट्टान जैसा होता है। शांत हृदय व्यक्ति से कौन प्रेम नहीं करता, संतुलित जीवन से कौन प्रेम नहीं करता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बारिश है या धूप। इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन या परिस्थितियां आती हैं। हालात चाहे जैसे हों, वे हमेशा शांत रहते हैं। चारित्रिक संतुलन, जिसे हम शांति कहते हैं, सुसंस्कृत व्यक्ति का आखिरी सबक है। यह जीवन का फूल और आत्मा का फल है। यह बुद्धिमानी जितना मूल्यवान है, सोने से ज़्यादा वांछनीय है। शांत जीवन की तुलना में सिर्फ समृद्धि की इच्छा कितनी महत्वहीन लगती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन सत्य के महासागर की गहराइयों की शाश्वत शांति में रहता है, जिस तक तूफान पहुँच ही नहीं सकते। हम कितने सारे लोगों को जानते हैं जो अपने गुस्सैल स्वभाव से उनकी ज़िंदगी का स्वाद किरकिरा कर देते हैं, हर सुंदर और अच्छी चीज़ के वो बर्बाद कर देते हैं, अपने चारित्रिक संतुलन को तबाह कर देते हैं और खामख्वाह लोगों से दुश्मनी मोल ले लेते हैं। आत्मनियंत्रण न होने की वजह से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं और अपनी खुशी को मिटा देते हैं। हम ज़िंदगी में बहुत कुछ
हम जिंदगी में बहुत कम लोगों से मिलते हैं जो अच्छी तरह संतुलित होते हैं। इसमें वह उत्कृष्ट शांति होती है जो पूर्ण चरित्र की पहचान है। हाँ, मानवता अनियंत्रित भावावेशों के साथ आगे कूदती है, अनियंत्रित दुख के थपेड़े खाती है और चिंता व शंका द्वारा ध्वस्त हो जाती है। सिर्फ समझदार मनुष्य ही, सिर्फ नियंत्रित और शुद्ध विचार वाला मनुष्य ही आत्मा के तूफानों और आंधियों से अपने आदेश का पालन करवा सकता है। तूफान में थपेड़े खाते लोगों, आप चाहे जहाँ हों, आपकी परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों, यह बात अच्छी तरह जान लें, जिंदगी के महासागर में सुख के टापू मुस्करा रहे हैं और आपके आदर्श स्वप्न का सुखद किनारा आपके पहुँचने की राह देख रहा है। विचारों के स्टेयरिंग पर मजबूती से हाथ रखो। आदेश देने वाला स्वामी आपकी आत्मा के केंद्र में है, वह सिर्फ सोया हुआ है, उसे जगा लें। आत्मनियंत्रण ही शक्ति है, सही विचार ही स्वामी बनने का उपाय है, शांति ही शक्ति है। अपने हृदय में कहें शांत हो जाओ, अपने मस्तिष्क से कहें अच्छे विचार सोचो, सही विचार सोचो, सकारात्मक विचार सोचो, नेकी के विचार सोचो। इंसान हमेशा वैसे ही विचारों को अपने मस्तिष्क में जगह देनी चाहिए जिन्हें वह साकार करना चाहता हो। अगर आप अपने जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं तो सुखद विचार सोचें। अगर आप अपने जीवन को समृद्ध बनाना चाहते हैं तो समृद्धि के विचार सोचें। अगर आप अपने जीवन को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो स्वास्थ्य के विचार सोचें। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको परिणाम मिलेंगे, क्योंकि जैसे आपको विचार होंगे, जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। लेखक के बारे में, जेम्स एलन सन 1864 में इंग्लैंड के लीसेस्टर में पैदा हुए थे। बदकिस्मती से लेखक के रूप में उनका करियर काफ़ी छोटा रहा और सिर्फ 9 साल तक लिखने के बाद 1912 में उनकी मृत्यु हो गई। पहली पुस्तक फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर पूरी करने के बाद वो इल्फ्राकुम्ब में रहने लगे, जहां उन्होंने अपना अमर ग्रंथ एज अ मैन थिंकेथ लिखा, जो उनकी सबसे मशहूर और यादगार पुस्तक है। 1902 में प्रकाशित इस पुस्तक को प्रेरक और सेल्फ हेल्प साहित्य की जननी माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि जेम्स एलन इसे प्रकाशित नहीं कराना चाहते थे। हमें जेम्स एलन की पत्नी लिली का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिन्होंने अपने पति को यह पुस्तक छपवाने के लिए राजी कर लिया।